आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, जिस तरह से पोस्टर बार हो रहे हैं, पोस्टर बार को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। हालांकि पोस्टरों का उपयोग पहले वांटेड के लिए, प्रचार के लिए किया जाता, पर फिलहाल इन पोस्टरों पर राजनीति हो रही है। वही राजनीति केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश स्तर पर हो चुकी है, वैश्विक स्तर पर हो चुकी है। अगर हम बात करें पोस्टर की, तो पोस्टर का इतिहास बहुत पुराना है। और यहाँ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम शूद्र हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तमाम तरह के पोस्टर लगाए, रामचरित मानस को लेकर लगातार तमाम तरह के पोस्टर लगाए गए, एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो पोस्टर लगाने की प्रकृति है और जो परंपरा है वो दिल्ली में शुरू की गई है, और दिल्ली में हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाकर यहाँ पर सरगर्मियाँ फिर बढ़ गई हैं। कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के पोस्टर क्यों लगाए गए, किसने लगाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगाने के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ट्वीट आया और उसके बाद कांग्रेस का ट्वीट आया, इस पर भी राजनीति गर्मा गई। भाई, प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर जिस तरह की एक अलग तरह की परंपरा चल रही है, विपक्ष की एक कोशिश रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर लक्ष्य बनाया, टारगेट किया जाए, चाहे अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें या तमाम अन्य मुद्दों की बात करें, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस तरह के स्लोगन दिए गए थे, मोदी जी की बोल क्यों बंद है, अडानी मुद्दे पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तमाम तरह की इस तरह की बातें विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर 100 FIR की गई है पोस्टर लगाने के बाद, उस पर आम आदमी पार्टी का कहना, कितनी FIR कराओगे, अब तो हर कोने से आवाज आ रही है, ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। और अगर हम बात करें थोड़ा और इसको, अगर अपडेट लेंगे तो 138 से ज़्यादा FIR हो गई है, और गिरफ्तारी की बात करें तो 10 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हालांकि पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा ना होने के चलते तमाम संदिग्ध लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी उस पर रिएक्शन दी है, तो कहीं ना कहीं जो बात दिल्ली पुलिस द्वारा कही जा रही है कि इस मामले आम आदमी पार्टी की संलिप्तता है, और आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास से वैन में इस तरह से पोस्टर पाए गए हैं। खैर, मामला क्या है वो छानबान के बाद स्पष्ट हो जाएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जो पोस्टर बार है वो हमारे देश की राजनीति में एक अहम रोल बन चुकी है पोस्टर के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर पोस्टर की बात करें तो इसकी व्यवस्थाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच गई हैं, और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जारमुझ के तमाम मुद्दों को यहाँ देखते हुए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया वाले मामले, आम आदमी पार्टी यहाँ पर बैकफुट पर थी और लगातार सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी पर हमलावर था, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अपना रिएक्शन दे रही है और सीधे सीधे यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं, और पोस्टर लगाने की वजह ही बताई गई है। यहाँ तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने इस पर जो ट्वीट किया है उस पर भी राजनीति अलग हुई है। चौंकाने वाला ट्वीट यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए, पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कृपया ऐसे पोस्टर ना लगाएं, जनहित में जारी। अब यहाँ पर अगर ट्वीट की बात करें तो एक तरफ तो लग रहा है कांग्रेस यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ लग रहा है कि शायद दर्द है कि पोस्टर लगाने वाले लोग गिरफ्तार हो गए हैं, या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो एक लोकतंत्र की मर्यादा को बचाते हुए यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा है कि कृपया ऐसे पोस्टर ना लगाए, या कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि पवन खेड़ा जो अभी हाल में मामला हुआ था, जिसके बाद जो उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, जिस तरह से उन्होंने एक उपहास उड़ाया था, हंसे थे, उसके बाद पवन खेड़ा पर जिस तरह कार्रवाई हुई थी, चर्चाएं चल रही थी, उसका कांग्रेस यहाँ सतर्क हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टर की बात करें या रुख की बात करें या बयानों की बात करें या उनके नाम को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सतर्कता भी नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं तीर उद्देश्य वहाँ पर नजर आ रहे हैं, या बीजेपी पर ही सॉफ्ट कॉर्नर या राय, या सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके प्रति हमदर्दी। चर्चा महत्वपूर्ण है, मेहमान जोशी रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन भाई जी अपनी बात रखेंगे, और इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगे। आप सभी मनोज कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल लगा इमरान लतीफ से, इमरान भाई पोस्टर क्यों लगा दी भाई, आप लोग का नाम आ रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, पर नाम आ रहा है, कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर से ये बैन से पोस्टर बरामद हुए हैं, और आम आदमी पार्टी जैसे ट्वीट की है, लगता भी यही है कि शायद ये आप ही लोग काम है, कैसे देखते हैं? अरे पोस्टर से इतना घबरा क्यों गए नरेंद्र मोदी जी? अच्छा, कहां चला गया 56 इंची सीना जो उनका था? अच्छा, एक पोस्टर से डर गए? अरे इस पोस्टर में क्या आपत्तिजनक है भाई? अगर अगर अगर
मोदी जी के एक मित्र हैं जो आकाश से लेके पाताल तक में घोटाला करके देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी की जुबान से उस जो उनके परम मित्र हैं जिनका नाम अडानी है उसका आ भी नहीं निकल रहा है, अच्छा, पर देश गर्त में जा रहा है। तो आज तो ये आम आदमी पार्टी ने किया या नहीं किया ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन पूरा देश तो यही बात कह रहा है, अच्छा, कि अडानी जैसे महालुटेरे को बचाने वाले प्रधानमंत्री को अब इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए, अच्छा, सत्ता ही नहीं रहना चाहिए, इसमें आपत्ति कहां से हो गई? अच्छा, तो आपने लगवाया पोस्टर, लगवाने थे, हमारी पार्टी की निवेदन है। अरे भाई हम कहां कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने लगाया है, हाँ, ये तो जांच का विषय है, सौ लोग, अरे हम तो इसमें आपत्ति क्या है, मैं तो वही तो बात पूछ रहा हूँ। आज तो पूरा देश ये बात कह रहा है, अच्छा, पूरा देश कह रहा है कि जिस अडानी ने आज LIC में जिन लोगों का पैसा है वो यही चाह रहे हैं, भैया मोदी हटाओ, देश बचाओ, हमारे LIC का पैसा बच जाए, जिन्होंने SBI के अंदर और तमाम बैंकों के अंदर अपने पैसे जमा करके रखे, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने गाढ़े वक्त के लिए, उनका पैसा आज जो है वो खतरे में चला गया है, संकट में है, तो उनको भी लग रहा है कि भैया इससे अच्छा तो ये है कि अब जाएं और पैसा तो हमारा सेफ रहे, देश सेफ रहे। आपने LIC वालों सर्वे कराया था क्या? देखिए गौरव भाई आप तो जानते हैं आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, अच्छा, आम आदमी पार्टी नेताओं की पार्टी तो है नहीं, आम आदमी पार्टी वही करती है जो जनता की आवाज होती है, हम तो अच्छा, हमेशा जनता के बीच में रहने वाले जनमत संग्रह से काम करने वाले लोग हैं, अच्छा, तो जो आज जनता पूरे देश के अंदर ये बात कह रही है, अच्छा, कि देश की राजनीति का ही नहीं अपितु दुनिया की राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा जो घोटाला है मोदी अडानी महाघोटाला, अच्छा, उस महाघोटाले के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जवाब देने को तैयार नहीं है, अच्छा, देश को डुबोते चले जा रहे हैं अपने एक परम मित्र के लिए। कुछ सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं किस तरीके से अभी तक फर्जी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम अडानी ने किया। इमरान भाई ये तो आपने कांग्रेस की जबान बोल दी, कांग्रेस भी कह रही है अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर लगातार प्रेस उठा रही है, JPC की मांग कर रही है, और जिसके कारण राज्यसभा नहीं चल पा रही, लोकसभा नहीं चल पा रही है, बैठक भी बुलाई गई है। देखिए अब कांग्रेस का ठेका हमने थोड़ी ना लेकर ले रखा है कि कांग्रेस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। कांग्रेस आप कांग्रेस तो आप साथ दे रहे हैं, करना चाहिए करें। इमरान भाई आप इस बात पर कांग्रेस साथ दे रहे हैं, कांग्रेस आपका विरोध कर रही है कि ऐसे पोस्टर ना लगाया जाए? हम कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं इस मसले पर, कांग्रेस हमारा साथ दे रही है, अच्छा, अडानी के मसले को अगर विधिवत ढंग से किसी ने उजागर करने का काम किया है, कांग्रेस का साथ, कांग्रेस आपका साथ दे रही है? बिल्कुल, कांग्रेस अडानी के मसले में कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं। अच्छा, आप कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, कांग्रेस कहां थी? आप कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गए, कांग्रेस कहां थी आप ये बताइए, आप कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गए, हाँ या ना बताइए, आप कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गए? मामले में तो हम उनसे बड़े हैं, लड़ने के मामले में, लड़ने की क्षमता की बात करेंगे, साहस की बात करेंगे, हिम्मत की बात करेंगे, ताकत की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल उनसे तगड़े से आगे खड़ी है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ अडानी का मसला आज ही क्यों, जब हम उठा के मामले को जो हम लेकर आए जनता के बीच में, हाँ। तब ये अडानी के मामले को उठा रहे, कौन सा बड़ा कमाल कर दे रहे? अच्छा, अभी तक विपक्षी पार्टी नहीं थे क्या? क्या बात, अभी तक उनका कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और भाजपा का इलू इलू चल रहा था, इलू जब आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सही ढंग से घेरने का काम किया है। इमरान भाई गौरव जी, आपने भाजपा कांग्रेस के मुद्दे पे लगा गहन अध्ययन किया है, हमेशा इलू इलू वाली बात जरूर बोलते हैं आप। अरे मैं कह रहा हूँ कि आज फिर देखिए इलू इलू सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आज जब पूरा देश ये बात कह रहा है, पूरी विपक्षी पार्टियां जब इस बात को महसूस कर रही है, पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि देश तभी बचेगा, इस देश को आज अडानी के जो खूनी पंजे हैं उसे निकालना जरूरी अच्छा, है, खूनी पंजे हैं, अच्छा, और बिल्कुल जिसने आम जनता का पैसा चूस लिया हो, पूरी अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया हो, आज उससे देश को बचाना जरूरी है। तो जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो पार्टी, जो सरकार अडानी जैसे भ्रष्टाचारी को शरण दे रही है, उससे इस देश को आजाद कराना जरूरी है, इस लड़ाई में साथ देना चाहिए, इस लड़ाई को जो भी कमजोर करेगा वो समझे अपना, जनता देख रही है। तो पोस्टर में अडानी वाले को आनी है भारतीय जनता, जिसने भी लगाया है, मैं तो कह रहा हूँ गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र सरकार की सबसे बड़ी संकट आखिरी सवाल मेरा कांग्रेस ही है। सुन लीजिए, पोस्टर जो लगा है मोदी हटाओ देश बचाओ, एक लाइन और जोड़ देते, अडानी हटाओ मोदी हटाओ देश बचाओ, ऐसा कर सकते थे? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि क्या हुआ, जब मोदी जी ही संरक्षण दे रहे हैं, जब मोदी जी ही पालने पोसने का काम कर रहे हैं अडानी को,
तो जाहिर सी बात है कि हम मोदी जी के लिए ही मांग करें। जनता ने अडानी को थोड़ी ना चुना है, अच्छा अरे अडानी को तो मोदी जी ने अडानी चुना की है ना। माफिया है क्या? अरे मोदी जी को हटा देंगे, अडानी की अडानी अपने माफिया आप है क्या? चले जाएंगे। व्यापारी है अरे भाई? भाई कौन सा व्यापार है? अच्छा मैं वो कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं कि हाँ मॉरिशस में 6 फर्जी कंपनियां बनाई गई एक ही पते पर, जिसका ना काम पता है ना नाम पता है ना इंप्लाइज का पता है, और वो कंपनी 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। वो अच्छा 42,000 करोड़ किसका था? अच्छा वो 42,000 करोड़ के आतंकवादियों का पैसा था, अच्छा या वो भारतीय ये जनता पार्टी का, तमाम या नरेंद्र तमाम मोदी जी सबूत का आपके काला पास, इस धन तरह का के आप इंसान आरोप सवालों पर लगाते हम हैं जवाब मांग रहे हैं? इमरान लतीफ, आपके पास ये सबूत है आपके पास, इस तरह के आरोप लगाते हैं आप? अरे भाई हम लोग तो बाकायदा प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस के अंदर डिबेट डिबेट हमारे डिबेट नेता नहीं, सारे माननीय सबूत है आपके इसके पास? जो 42,000 करोड़ की माननीय अपहरण करा, सबूत है राज्यसभा हाँ या ना? बिल्कुल सबूत है, सबूत है, बिल्कुल सबूत है। अच्छा और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माननीय राज्यसभा चलिए सांसद संजय सिंह जी ने सारे चलिए सबूतों को रखा है चलिए आप ठीक लोगों है, के सामने। चलिए ठीक है ठीक है। तो मैंने सर सिर्फ एक उदाहरण दिया, यहाँ तो पूरा एपिसोड चल रहा है अडानी मोदी महा घोटाले का। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक चार है, एपिसोड अभी तक हम लोग रिलीज कर चुके हैं, अभी और अच्छा पांचवा एपिसोड आने वाला पूरी है। फिल्म दिखा दीजिए, पूरी कहाँ कहाँ घोटाला फिल्म कर दिखा रहे हैं, दीजिए, एपिसोड क्यों चला रहे हैं, फिल्म दिखा पूरी दीजिए फिल्म पूरी, दिखा रहे हैं। अच्छा पूरी फिल्म दिखा रहे हैं, चार चार एपिसोड दिखा चुके हैं, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, बाकी है पिक्चर ही बाकी है। अभी विवेक पूरी श्रीवास्तव, पिक्चर आई नहीं, पिक्चर घबरा बाकी है गए अभी, पोस्टर से घबरा गए। पिक्चर बाकी है, पोस्टर से आप लोग घबरा गए, कैसी राय देंगे भाई? देखिए गौरव जी, जी ये आम आदमी पार्टी की जो करतूत है, हाँ आम आदमी अरे वो कह रहा उन्होंने नहीं आम लगाया भाई, आदमी वो कह रहा उन्होंने नहीं लगाया है, किसी ने लगाया, पीड़ित ने लगाया, पीड़ित है कोई? जो बैन पकड़ी गई आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते हुए, हाँ पूछताछ हो रही है, सारी चीजें हाँ सामने आ जाएंगी। अच्छा और जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे डिफेंड कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि सारी खेल के पीछे आम आदमी पार्टी है। हाँ देखिए, इनके में नैतिक साहस नहीं है। हम लोग भी जब किसी नेता का विरोध करते थे, किसी पद पे बैठे व्यक्ति का विरोध करते थे, तो खुलेआम हम लोग निकल करके सड़कों पे नारा लगाते थे कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी आई है महंगाई लाई है, इस तरह के हम लोग खुल के आम खुलेआम नारे लगाते थे। राजनीतिक दल के रूप में हमारा नैतिक साहस था, जो हम सड़कों पर उतर करके विरोध करते थे, चाहे उसके लिए हमें जेल ही जाना क्यों ना पड़े। अच्छा इमरजेंसी के दौरान विपक्ष ने ये सारी यात्राएं भोगी है। आपको अगर मोदी जी से इतनी कोई दिक्कत है, तो आप नैतिक साहस जुटाए, खुल करके मैदान में आए। अब मैदान में आ तो कैसे मैदान में आएंगे, तलवार लेके आएंगे क्या? देखिए भाई देखिए, इसको कैसे इसको मैदान में आएंगे, मैदान के खोले आप पोस्टर लगा रही है, इसको खोले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे मैदान में जाते हैं बताइए? गौरव जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे पोस्टर की, ये अच्छा भाग रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये वो लोग हैं जो ट्वीट तो सबके यही कर ऊपर रहे हैं आरोप ना लग मेरी बात सुन लीजिए गौरव जी, ये वो लोग हैं जो सबके ऊपर आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा और जैसे ही मानहान का मुकदमा होता अदालत में, तैसे ही अदालत के बाहर सुलह करने के लिए जाने जाते हैं। लंबी अच्छा फहरिस्त है। अच्छा अभी इन्होंने अडानी के ऊपर लंबा आरोप लगा दिया। हाँ अभी जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी बैठी हुई है, अपना काम कर रही है, और उस कमेटी में उस विषय से जुड़े विशेषज्ञ लोग शामिल हैं, उस विषय में ये चाहते हैं कि एक जेपीसी बन जाए। तो बना दीजिए क्या दिक्कत तमाम है? जे सुन तो लीजिए गौरव तो जी, तमाम जेपीसी बनी है, उनकी रिपोर्टों का क्या असर है? अच्छा वो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है, निसंदेह उसमें बहुत ही उच्च गुणवत्ता के विशेषज्ञ लोग शामिल हैं। अच्छा जो इस प्रकरण की पूरी विधिवत जांच कर पाएंगे जी, और जो जो फुल पावर में है जी, पार्लियामेंट की जेपीसी के सामने आपकी हैसियत से हिडनबर्ग को बुलाएंगे या उनके किसी नुमाइंदे को बुलाएंगे जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बैठी है जी, वो किसी को भी तलब करने की स्थिति में है। अच्छा तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ज्यादा पावरफुल है, इस विषय के लिए ज्यादा मुफीद है। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वैश्विक एक जो छवि है वो भी खराब हो रही है। मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरह से सादे रूप से पोस्टर लगे हैं, 1 लाख का टारगेट दिया गया था, इसके पहले कोरोना के समय भी तमाम तरह के पोस्टर लगाए गए थे कि गरीबों की वैक्सीन विदेश भेजी जा रही है। तो जिस पोस्टरबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की छवि खराब करने के साथ साथ जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल नुकसानदेह है आपके लिए कि नहीं है गौरव जी? उनकी छवि खराब करने की जो कोशिश हो रही है,
और जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, ये वो लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, जिन्हें देश का मजबूत नेतृत्व पसंद नहीं है, जिसे देश के विकसित देश बनने के रास्ते पे बढ़ते हुए कदम रास नहीं आ रहे हैं, जिसे दुनिया में उभरता हुआ भारत पसंद नहीं आ रहा है। ये देश विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जो कभी चाइना के सामने गिड़गिड़ाने वाले लोग हैं, कभी पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाने वाले लोग हैं। ये अराजकतावादी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, हम कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अडानी अंडरग्राउंड रिपोर्ट पर, जो बवाल चल रहा है। ये तो इनकी अपनी खाम ख्याली है, बड़बोलापन है, कौन किसको क्या मदद कर रहा है ये सब कुछ जानते हैं आप, इतने वरिष्ठ एंकर हैं, उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सदन में किसकी क्या संख्या है, कौन किस हैसियत में है, कौन किस, अरे दो राज्यों में बैठी है भाई, एमसीडी भी आपको जीत गई है, और क्या चाहिए आपको? कौन किसको सपोर्ट करेगा, जहाँ पर आपका शीर्ष नेतृत्व बैठता है वहां पर तीसरी बार सरकार बना के बैठी है। बेबे भाई, इस बार को भी स्वीकार कर लीजिए, 15 साल बाद एमसीडी हार गए, स्वीकार कर लीजिए, पंजाब में सरकार बना के बैठी है, गुजरात में 13% वोट ले आई है, 5 विधायक ले आई है, और कितना स्वीकारना जरूरी है। गौरव जी, आप वरिष्ठ एंकर है, कौन किसको असिस्ट कर रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है, ये आप खुद समझते हैं किसकी क्या हैसियत है सदन के अंदर। अच्छा, और देश के अंदर। अच्छा, ठीक है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, ये सत्य है। अच्छा, ठीक, अब इसके इतर किसी की और इच्छाएं हो तो उसकी अपनी इच्छा है, उसके अपने कहने के तरीके। आखिरी सवाल ले लीजिए, उस टिप्पणी एक सवाल और ले लीजिए। 50 हजार के ऑर्डर दिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही, पूछताछ में खुलासा हो रहा है, 50-50 हजार के यहाँ पर ऑर्डर दिए गए थे पोस्टर लगाने को लेकर, इतना बड़ा यहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी बोली हमें लगाए नहीं है, कांग्रेस यहाँ पर लगाने का मना कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है आपके खिलाफ, ये आपके लिए आने वाले चुनाव के लिए नुकसानदेह साबित होगी व्यवस्था में, हाँ या ना? देखिए, जितना ही कीचड़ होता कमल उतना ही अच्छा खिलता। अच्छा, ये जितना ही किस तरह की हरकतें करेंगे, कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उतना ही मजबूत होकर आगे आएगा, और ये देश जानता है कि किन हाथों में देश सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, देश को लचर ढीला ढाला नेतृत्व सरकार नहीं है। अच्छा, ठीक है, जहां कीचड़ होगा वहां कमल मजबूरी से खिलेगा, ठीक है। नितिन भाई जी, प्रवक्ता सभा, नितिन भाई, भाई पोस्टर बार तो आपके अभी खूब होता है, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर गर्व से कहो तमाम तरह के पोस्टर लगे रहते हैं, खैर उनकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ के, जिस तरह पोस्टर लगे हैं, पोस्टर के बाद राजनीति गर्म होगी क्योंकि दिल्ली का मामला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर टारगेट किया गया है, आम आदमी पार्टी का ट्वीट भी आया है, कांग्रेस का ट्वीट भी आया है, समाजवादी पार्टी क्या प्रतिक्रिया है इस पूर्व पर? देखिए गौरव जी, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र दास मोदी जी, ये अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री तो कहते भी नहीं है, लेकिन अगर एक पोस्टर जिस पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, ठीक, अब किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, किसी लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है, मैं देख रहा हूँ लाल बैकग्राउंड के अंदर सफेद से देश में मोदी हटाओ देश बचाओ, बड़े जोर से बोल रहा है, क्या बात है? हाँ, अरे लोग तो नारा ही लगाते रहे, अच्छा, मोदी हटाओ देश बचाओ, ये तो रैलियों में नारे लगाते हैं, इससे अच्छा, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी, ये तो अच्छा, लोकतंत्र, लेकिन जिस तरीके से इस पर कार्रवाई हो रही तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रधान सेवक नहीं। अच्छा, एक शाह दूसरे शहंशाह, वजीर भोपू, इसी के बीच में सरकार हो गई है। अच्छा, तो अब ये शाह शहंशाह वजीर और भोपू वाली सरकार, भोपू शब्द क्या भाई, क्या मतलब, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन लेना चाहती है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे विवेक श्रीवास्तव जी अभी कह रहे थे कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो यह सही बात है कि अभी कीचड़ की कुछ कमी हो गई थी, अच्छा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद कीचड़ पैदा कर रही है। अच्छा, अब वो चाहे अडानी को लाके कीचड़ पैदा करवा हुए, चाहे और दूसरे गंदगी के माध्यम से खुद कीचड़ पैदा कराए, क्योंकि कमल को रखना है तो कीचड़ रहना जरूरी है। तो मेरी इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है करबद्ध कि इस देश को कीचड़ मत बनाओ, कमल आ रहे ना रहे, लेकिन
लेकिन ये देश स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। देश को स्वच्छ रखना है भैया, देश को कीचड़ मत बनाओ। कमल नहीं रहेगा लेकिन यहाँ इंसान रहेंगे, इंसानों के रहने के लिए इस देश को बना दो। कमल के खिलने लायक देश की जरूरत नहीं, कमल तो हमारे यहाँ तालाबों में खिल जाएगा, कहीं जाकर के किसी कीचड़ में खिल जाएगा, उससे हम उसका राष्ट्रीय सम्मान बना रखेंगे। लेकिन भैया कीचड़ मत यहाँ पैदा करो। भारतीय जनता पार्टी ने, और बार बार एक बात आपने भी सवाल किया, इन्होंने भी सवाल के जवाब में बड़ी गोलमोल बातें की। अच्छा। कि बार बार जब बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आती है, जेपीसी की रिपोर्ट आती है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगती है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। ये पूछ रहे हैं एक सवाल, हिंडनबर्ग ने 88 सवाल उठाए, एक दो नहीं 88 प्रश्न प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक का भी जवाब अगर देने में कोई सच्चा में तो अडानी जी से जवाब दिलवा दे कि नहीं जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए ये गलत है। दूसरा, किसी ने चैलेंज कर दिया है कि हमारी कोर्ट में और हमारे खिलाफ इस पर मुकदमा करो, अगर एक भी हमारा आरोप गलत साबित हो जाएगा तो उसके आपके जो लॉस हुआ है 8 लाख करोड़ का लॉस हो गया अडानी जी का, तो अडानी जी के 8 लाख करोड़ के लॉस का 3 गुना वहां की कोर्ट जुर्माना करेगी उस कंपनी पर, तो अरे चले जाएं अमेरिका की कोर्ट में, वहां जाकर के अडानी जी एक मुकदमा कर दें कि ये आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं, निराधार हैं, झूठे हैं, इसको साबित कर दें। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आरोप तो अडानी पर लग रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री पर तो लग नहीं रहे, माननीय रक्षा मंत्री पर नहीं लग रहे हैं, माननीय गृह मंत्री पर नहीं लग रहे हैं, ये अडानी पर लग रहे हैं। तो अडानी के ऊपर आरोप लगने पर क्या देश पर आरोप लग रहा है? अडानी देश तो नहीं है। अडानी पर आरोप लगाओ तो आप देशद्रोही कहलाओगे, अडानी से सवाल पूछो तो देशद्रोही कहलाओगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये हु आर अडानी, ये अडानी कौन है? अडानी इस देश का एक व्यापारी तो है जो 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 2014 से पहले 700 नंबर पर आता था और तो 8 सालों में ये दूसरे नंबर पर आ गया, तो इस पे इसको हर चीज इसी को क्यों बेची, इसी को क्यों बेची जा रही है, बढ़ जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको नहीं क्यों बेचा जा रहा है, यही तो प्रश्न जब पूछा जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई नेता आरोप अगर नारा लगा देता है कि अडानी मोदी भाई भाई तो आरोपी होती है। ठीक है, ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ बाअदब, अदब पूछना चाहता हूँ कि ये अगर पोस्टर लगा है तो इसमें आपत्ति क्या है? आप अपनी सफाई दीजिए, अपने कर्म के माध्यम से चुनाव जाइए, हो सकता है आप फिर जूझ जाए लड़ करके, कोई दिक्कत नहीं। जनता अपनी बात कहना चाहती, मैं तो यहाँ कह सकता हूँ माध्यम से कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, विवेक श्रीवास्तव, नितिन भाई जी बाअदब पूछते हैं आपसे, दिक्कत क्या है भाई, क्या समस्या है, दर्द क्या है? अगर पोस्टर लगे अभिव्यक्ति की आजादी है, समस्या क्या है, और इनको पता दीजिए कि अडानी कौन है, क्यों आप उसके लिए यहाँ पर संसद में रहते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, देशद्रोही दर्ज हो जाता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन गौरव जी, जी पहली बात तो जो पोस्टर लगे उस पर किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। नहीं नहीं, क्या दिक्कत है, नहीं जी रुक जाएगी, ये अराजकता देश नहीं चलता। अच्छा, हर प्रिंटिंग एक्ट के नियम है, आपने पोस्टर छापा आपको अपने प्रेस का नाम देना चाहिए, छपवाने वाले का नाम होना चाहिए जी। जो एक्ट है उस एक्ट के अनुसार ये नहीं है। आपने अगर समाजवादी पार्टी भी छपवाती तो उसको खुल करके इस पोस्टर के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा। अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, कहां हमने छपवाया है, अपना नाम देना चाहिए। नारे लगा रहे नितिन भाई कि मोदी हटाओ, जब से मोदी आए देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा बढ़ गया। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर नितिन यादव नारा लगा रहा हूँ मोदी हटाओ देश बचाओ, जिस दिन से मोदी आए हमारे आंकड़े नहीं नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि देश बहुत पिछड़ गया है। अच्छा, तो देश को आगे ले जाना है, देश को बचाना, तो मोदी काटना जरूरी है। क्या गलत बात कह रहा हूँ? कौन सी धारा में एफआईआर करोगे बताओ? मैं अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कराओ। चलो कराइए, एफआईआर कराइए। देखिए गौरव जी, जो अडानी का के बारे में हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं दीपेंद्र जी, बेहतर हो कि अपनी पार्टी से पूछ रहे, जिस अनिल अंबानी को दादरी में जमीन दी गई थी वो ज्यादा बता देंगे इनको, हमसे ज्यादा उनके बारे में। अच्छा, वही उद्योगपति उसी बेल्ट के वो भी लोग हैं, तो ये हमसे जानने बेहतर अपने लोगों से पूछ रहे जिनको राज्यसभा सांसद बनाए थे ला करके समाजवादी पार्टी अपने सहयोग से बनाई थी। अच्छा,
तो ये सब सारी चीजें जो आज इस तरह के बोल बोल रहे हैं लोग देश के नाम के बारे में चर्चा कर रहे दीजिए, उत्तर प्रदेश में जगह दीजिए, कोई बड़ा उद्योग लगाएं और देश को रोजगार दें, इसमें क्या दिक्कत है? ये जो 88 आरोप है कि आप अमेरिका से दो नंबर मंगवा रहे हो, वो नीरज अडानी आप उसका जवाब दे दो ना, मैं तो कह रहा हूँ आप दे दो उत्तर प्रदेश में जगह जी। हम मैं कह रहा हूँ कि मैंने सुभाष चंद्रा को ललितपुर में बहुत जगह दी थी सोलर प्लांट लगाने के लिए, हमने बाबा रामदेव को जगह दी थी, हमने अनिल अंबानी को दादरी में को जगह दी थी ना, क्या दिक्कत? उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पे हमने कहा दिया कि डेवलपमेंट भेजा था आपने, हमने जगह दी जी बोलिए जी, अनिल अंबानी को इन्होंने राज्यसभा भी भेजा था। अच्छा पूछ ले इनके साथ, आपने विजय माल्या को भेजा है, क्या दिक्कत है? आपने विजय माल्या को भेजा है, अंबानी बात थोड़ी ना करते हैं, विजय माल्या कब लेके आओगे, मीरा मोदी कब लेके आओगे, मेहुल चौकसी कब लेके आओगे? बेबी भाई जवाब दीजिए भाई, तमाम बातें कर रहे हैं, नारे भी लग गए, आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। जो लोग नारे लगा रहे हैं, हां मैं ले रहा हूं, जो लोग नारे लगा रहे हैं उनकी भला समझी जा सकती है, तो अपने नाम से पोस्टर लिख करके क्यों नहीं लगाते हैं? ये इस तरह से लुका छुपी का अरे नारा लगा रहे हैं तो पोस्टर लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, पोस्टर लगा रही है भाई, एफआईआर हो जाएगी, आप लगाइए पोस्टर, प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अरे मैं नारा लगा रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हम प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अगर जिस दिन मुझे आवश्यकता लगेगी पार्टी की लाइन से तय हो जाएगा कि हम किसी आंदोलन में जा रहे हैं, तो हम आंदोलन में तख्तियां भी लेकर के चलेंगे और सदन में तख्ती लेके आएंगे। अच्छा ठीक है सदन में तख्ती लेकर के आएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं अच्छा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ विवेक जी से, कि एक ये विनोद अडानी है, इनकी नियंत्रित एक मॉरिशस इकाई में जिसे कुणाल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इसने $253 मिलियन उधार दिए हैं और एक राजनीतिक पार्टी उसको ऋण की रकम बता रही है, ये बताइए क्या है? 88 आरोपों में एक आरोप है, ये विनोद अडानी कौन है? और इन्होंने ये जो अपनी मॉरिशस में इनकी एक कंपनी थी जिसको अब कुणाल ट्रेडर्स और इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है, ये कुणाल ट्रेडर्स और इन्वेस्टमेंट में मैं पूछूंगा इनको, खैर विवेक भाई हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन हो सकता है अडानी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनके पार्टी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? देखिए अभी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता साथी उनकी घबराहट और मुस्कुरा रहे, कहां घबरा रहा है? दस पैसे के पोस्टर से इतनी घबराहट? अच्छा ये होता है, आप स्वीकार लीजिए आपने लगवाया ना, ये होता है 10 पैसे के पोस्टर से इतनी घबराहट? डर तो आपके दिल में है जो उस पे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, और क्योंकि भ्रष्टाचार के बारूद पे बैठे हुए हैं मैदान में, लुका छुपी का खेल क्यों खेलते हो? भ्रष्टाचार के बारे मैदान में तो हमसे बेहतर कौन है? लुका छुपी का खेल क्यों खेल रहे हो? अडानी महाघोटाला दुनिया का जो सबसे बड़ा घोटाला है, आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया है, इसे हमने उजागर कर दिया है और यही इनकी बेचैनी है। आज देश का बच्चा बच्चा अगर इस बात को जान रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने अपने राजनीतिक कद को बड़ा किया था, उसी कद का सबसे बड़ा घोटाला उन्होंने आज किया है जिसको मोदी अडानी महाघोटाला कहते हैं अडानी के साथ मिलके, तो आज इस सच्चाई को बच्चा बच्चा जान रहा है कि जितने बड़े कद के नेता बने नरेंद्र मोदी जी, उतने ही बड़े कद के घोटालेबाज भी बने नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, तो देश के इतिहास में अब तक इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया था, किसी सरकार में नहीं हुआ था जितना इस सरकार के अंदर हुआ है। अच्छा, और परत दर परत इस घोटाले को हम लोग खोलते जा रहे, उसी से घबराए हुए। बताइए इतनी तानाशाही कब पोस्टर नहीं लगा है? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पोस्टर नहीं लगे दिल्ली के अंदर? क्या दूसरी सरकारें अगर रही तो क्या उनके खिलाफ कभी नारेबाजी नहीं हुई? कभी पोस्टर लगाने वाले डिफेंड कर रहे हैं क्या? धरना प्रदर्शन नहीं हुए? इमरान भाई, कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ? अरे पोस्टर लगाने वाले डिफेंड कर रहे हैं क्या? डिफेंड ना, मैं पोस्टर लगाने वालों को डिफेंड कर रहा हूँ, ना उनका मैं समर्थन कर रहा हूँ, ना उनका मैं अपोज कर रहा हूँ। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि इतना तानाशाह हो जाए सरकार, अच्छा कोई नेता इतना तानाशाह हो जाए कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, क्यों डर रहे हो?
इस डर से ये बात पता चलती है कि जो मोदी अडानी महाघोटाला है, इसने मोदी जी के पैरों की जमीन खिसका दी है, इनकी सरकार की चूले हिल गई हैं, उनको पता चल गया है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी अडानी महाघोटाले के नाम पर होगा। अच्छा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। अच्छा। मोदी जी ने जो अपनी ब्रांडिंग की थी 8 साल 10 साल विपक्ष कौन होगा, आम आदमी पार्टी होगी, सपा होगी, कांग्रेस होगी, विपक्ष कौन होगा? देखिए विपक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा, हाँ। आप ध्यान रखिए पूर्व के इतिहासों को ध्यान रखिए, जब कोई भी नेता तानाशाह हो जाता है ना तो उसके खिलाफ जनता चुनाव लड़ती है, जनता मैदान में। इतिहास ही पता है, चुनाव पढ़ना भी पता है, सब पता है कौन कितने पानी में। गौरव भाई बस मैं 30 सेकंड में बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। ये जो पोस्टर लगे है ना, ये जनता की तरफ से लगे हैं, ये जनता की तरफ से आवाज उठने लगी है कि मोदी भाई जनता लगाइए, बचाओ जनता लगाइए पोस्टर। इनकी हैसियत नहीं है कि ये अपने नाम से लगा सके, या जनता के आड़ छिप ये छिपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बहुत जोर का पता चल रही है। इसी तरह की हैसियत नहीं तो बताए आरोप लगा के माफी मांगने वाले लोग हैं, बताइए 100 सालों से माफ करना करने वाले लोग, छोटा सा नारा ही तो है ये, इनकी लंबी फाइल किस सरकार के खिलाफ ये नारा नहीं लगता। गौरव जी, अरुण जेटली कौन सी सरकार ऐसी है जो सत्ता में रही हो उसके खिलाफ ये नारा लगा हो, आरोप के ऊपर लगाते हैं ये, अरे लोग लगाते हैं केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, ठीक है उनके व्यक्ति के आधार पर है, विपक्ष से जो बोल रहा है सरकार थी, प्रणाली सुन लीजिए, की सरकार कट्टर भ्रष्ट कट्टर बेईमान कट्टर चोर लोग हैं, ये कौन से जो आरोप लगाते हैं सत्ता वाले मत रखिए। अभी आपने रिश्ता पूछा था गौरव भाई, अभी आपने रिश्ता पूछा था कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या, तो मैं बताता हूँ कट्टर अडानी जो है माई बाप है भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज। आज मनीष सिसोदिया को अदालत ने जेल भेजा, ये कट्टर बेईमान लोग हैं, अदालत अगर इनकी इनको ईमानदार समझती दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करने वाले नेता। अरे आप लोग मेरे को क्यों देखते भाई, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला मोदी अडानी महाघोटाला, आज अदालत ने जेल भेज दिया करने वाले नेता, अगर अदालत इनको इस लायक समझती देश ईमानदार है तो भेज दे, तो बोल रहा है कि जेल दे रहा है, ये घोटाले की बात करेंगे, माने सारे वाली बात कर रहा है, विवेक जैसे नेता क्या बोलेंगे, पाले का काम किया है इमरान नदी, इमरान नदी आज जेल में है, अडानी से पाले वाले लोग इमरान नदी बारी बारी जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है बंगाल में, ये बात करेंगे भ्रष्टाचार पर क्या कर रहे हैं, कट्टर चोर ठीक है, कट्टर भ्रष्ट, अच्छा कट्टर चोर, बेल नहीं मिली जेल मिली है जेल, अरे भाई आप जेल मिली अदालत से जेल लगा अध्यक्ष कैमरे पर, अरे कहीं भी अदालत की भ्रष्टाचार पे क्या अदालत ऊपर आरोप लगाओ ना, सपा जैसे भ्रष्टाचारी का हाथ भी कर सकते हो, राजकवादी हो आप लोग घूम रहे हैं जो अडानी के टुकड़ों पे पलते हैं, आप अडानी का नेतृत्व भाई को देखो अडानी के बारे में पोस्टर बड़ा किया है, ठीक है मनीष सिसोदिया जेल में, जेल बेल नहीं मिली, जेल मिली है जेल, जेल मिली है इमरान नदी बोल लीजिए, बेल नहीं जेल मिली है जेल, अरे मैं कह रहा हूँ जेल तो सरदार भगत सिंह को भी मिली थी, गांधी जी को भी मिली थी, नेहरू को भी मिली थी, इसको जेल नहीं मिली, वारे वारे जब 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 ऐसा तानाशाही रवैया रखने वाली सरदार भगत सिंह से करोगे शर्म करो, आवाज उठाने वाले लोग करो, भ्रष्टाचार लोग पापी हो, लोग जेल कहाँ सही थे, आज जब भगत सिंह का ही प्रशासन कर रहे हैं तो क्रांतिकारी जेल क्या बात कर रहे हैं, सरदार जी सरदार डूब रहे हैं पानी में, डूब रहे चुल्लू भर पानी में, सही दे आगे भगत सिंह से चोरों तुल्ला कर रहे हो, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कट्टर चोर कट्टर बेईमान। गौरव भाई अब बोले हम बोल लिए, जवाब दीजिए आप बताइए, देखिए बंगारू लक्ष्मण इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तभी तो मिर्ची लगी, तो तिलमिल करेंगे जब मैं बोलने लगूंगा, ये सुन नहीं पाएंगे, बंगारू लक्ष्मण इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर चोरों के साथ नहीं खड़े, येदुरप्पा माइनिंग घोटाले में जो है भ्रष्टाचार के आरोपी पाए गए, व्यापम घोटाले के शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो येदुरप्पा जो भ्रष्टाचार है उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, व्यापम घोटाले के भ्रष्टाचार है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दिल्ली के लिए सबसे अच्छे स्कूल बनाए उसको जेल के अंदर भेज रहे हैं, ये काले अंग्रेज हैं, इनसे देश की तरक्की की बर्दाश्त नहीं हो रही है, आजादी से पहले अंग्रेज गुलामी करते थे, आजादी के बाद देश उसकी तुलना तुम चोर से करो भाई, आप लोग सब लोग चोर थे, चोर थे, चोर थे, ठीक है नितिन भाई
आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से क्या बात कर गौरव रहे हैं भाई? सुनकर जी नहीं, गौरव भाई जी मुझे लग रहा है, देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम रहें ना रहें, अच्छा ये देश रहेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से पहले भी इस देश में 13 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अच्छा, और नरेंद्र मोदी के बाद भी बहुत सारे प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि ये प्रवक्ता भी हैं, हम भी प्रवक्ता हैं, बहुत सारे प्रवक्ता भी रहे आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन देश के मर्यादा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये जनभावना अगर निकल करके आई है तो निश्चित रूप से ये जनभावना है। हाँ, तो से जब से माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं तब से लगातार तो ये लोग अगर आम आदमी पार्टी वाले मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करेंगे तो ये शांत बैठेंगे। यही समाजवाद है आपका? ये बिल्कुल शांत मत बैठिए, ईंट से ईंट बजा दीजिए, पाठ पढ़ाया था आपको। लेकिन आप अगर नरेंद्र मोदी तुलना के शंकराचार्य से कर देंगे और आप नरेंद्र मोदी को भगवान राम के बराबर खड़ा कर देंगे और राम को हमने राम की उंगली पकड़ के अगर नरेंद्र मोदी चलने लगेंगे तो उसका क्या होगा? आप भी मर्यादा में रहिए, अपनी अपनी बात कीजिए। क्यों भगत सिंह जेल गएंगे थे क्या? राम मनोहर लोहिया ने यही लेसन पढ़ाया था आपको? जेलेंगे थे क्या? शहीद आजम भगत सिंह, अरे आरोप जब तक नहीं सिद्ध हो जाए तब तक आप किसी को गाली कैसे दे सकते हो? भाई विवेक जी आप बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हो, लेकिन ये बताओ जब तक इस देश का कानून, आप तो पढ़े लिखे हो, जब तक इस देश में किसी को दोषी नहीं साबित कर दिया जाए तब तक आप किसी को गाली दे सकते हो क्या? तब तक किसी को अपराधी कह सकते हो क्या? आप तो पढ़े लिखे हो, आप मुलजिम और मुजरिम का अंतर तो जानते हो ना? मुलजिम और मुजरिम का अंतर तो जानते हो ना? कितने आरोप किसके ऊपर नहीं लगे? सबूत तो है ना तमाम लोग। अरे आप जब सत्ता में नहीं होंगे क्यों पार हो चुके नहीं हो चुके? अगर तुलना इमरान लतीफ ने की थी शहीद भगत सिंह से मनीष सिसोदिया की तो आपको विरोध करना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव कहना केवल इतना है जी। नितिन भाई नहीं, अरे भाई विवेक आज कौन सा मनीष सिसोदिया आरोपी दोषी साबित हो गए? हम क्यों किसी को कहें? जिस दिन मनीष सिसोदिया कोर्ट से दोषी साबित हो जाएंगे तो क्या उसको सुनिए मेरी बात को गंभीरता से, जिस दिन मनीष सिसोदिया कोर्ट से दोषी साबित हो जाएंगे मैं उनका पुतला जला दूंगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी किसी आरोप में अडानी के साथ लिप्त पाए जाएंगे और ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो मैं इनका ही पुतला जला दूंगा। लेकिन आप तब तक तो तसल्ली करो। क्यों मैं तसल्ली क्यों? हम ये पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी क्या तड़ी पार नहीं हुए थे क्या? तो क्या तख्ती लगा के घूमोगे आप? अरे आज देश के गृह मंत्री कोर्ट ने बरी कर दिया, आज गृह मंत्री है। अरे आरोप तो बहुत लोगों पर आते हैं, आरोप लगना दोषी होना दोनों में अंतर होता है। वो कह रहे हैं हमने हमेशा की तुलना, किसकी भगत सिंह की तुलना नहीं की? अरे सावरकर को क्या बताते घूम रहे हैं? कितने बार माफी मांगी थी भाई? जेल किस आरोप में गए थे? अरे सावरकर से ज्यादा कुछ सजा काटी है जी? इतिहास पर के बैठा करें दीपेंद्र जी जी भगत सिंह भी तो इसी आरोप पे जेल गए थे, बम फेंकने में जेल गए थे, अच्छा सरकार के खिलाफ बोलने में जेल गए थे। तो इसका मतलब अब तो मैं उन सबको भगत सिंह कहूंगा जिन्होंने पोस्टर लगाए, जिन्होंने दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं वो भगत सिंह के ही वंशज हैं। जो सुभाष उन्होंने कम से कम हिम्मत तो की और उनको तो सामने आकर के जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने पोस्टर लगाया है। मैं नारा लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के पद पर मेरी बात सुन लीजिए। बोलाइए शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सरदार रोशन सिंह, ये लोगों का दुखद है आजादी के आंदोलन में जिस तरह से इन्होंने अपनी शहादतें दी है जी। अपनी माँ की आंसुओं में आंसू देखना ये लोग नहीं चाहते थे जी। अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी, हंसते हंसते इन्होंने फांसी के पंदे चूम लिए। उनसे क्या आज के समय का कोई राजनेता अपनी तुलना करने की हैसियत में है क्या? इस मुंह से कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये करता है? दोनों सवाल है, मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, मैं जवाब दे रहा हूँ, उसको समझता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज के किसी जवाब दे रहा हूँ, शहीदों से कर सकता हूँ। भगत सिंह ने कहा था
कि इस देश से काले अंग्रेज चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन काले अंग्रेज रहेंगे। और आज वही बात तो साबित हो रही है, उन्हीं अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के हाथ में सत्ता है और वही तो काम कर रहे हैं देश को बेचने का। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया था। आज एक अडानी के हाथों, एक अंबानी के हाथों स्पष्ट बताओ कि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस बात से सहमत हो? क्या मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से की जा सकती है? बताइए, क्या यही समाजवादी जैसा पढ़ते? बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया ने जो किया होगा उसका फैसला अदालत करेगी। अच्छा, मनीष सिसोदिया ने जो तुलना सही है कि नहीं? मनीष सिसोदिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी तुलना। जवाब दे रहे हैं इमरान, आपके बात का जवाब दे रहा है। इमरान रिपोर्ट जवाब दीजिए, बोलिए तुलना क्यों की आपने भाई? बस गौरव भाई, विवेक भाई को शांत करके रखिएगा, बहुत बेचैन हो जाते हैं बेचारे। और आम आदमी पार्टी है ही ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी को वो आग लगाई है आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, तो बेचारे बहुत बेचैन हो जाते हैं सब। अच्छा, इनको, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, सुनिएगा, बता दीजिए, जब अंग्रेजों का शासन था तो ये क्या करते थे जो बैठ के यहाँ आज सरदार भगत सिंह के बहुत बड़े जो पैरोकार बने बैठे हुए हैं, इन्हीं के पूर्वज जो है उनके खिलाफ गवाही देते फिरते थे। सच्चाई ये है, कह देंगे तो बिजली लग जाए। नाम बताओ आप। और इनके अंग्रेज जो जिनके जिनके कहना नहीं चाहता था विवेक गौरव जी, अब तुम लोग विवेक की बहुत पूछ रहे हैं उकसा उकसा करके, तो मैं जवाब दे दूं। इमरान भाई रुको, मैं जवाब दे देता हूँ। इमरान भाई मैं नाम बता दे रहा हूँ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। आगरा जिले की बटेसर तहसील के गजिस्टर में आज भी दर्द है, चले जाना और गजिस्टर उठा के देख लेना कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अंग्रेजों के खिलाफ मुखबिरी, अंग्रेजों के पक्ष में क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की थी। आगरा जिला बटेसर तहसील, सुनो मामला बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ, आगरा चले जाओ, भटेसर तहसील उठाओ और निकाल के देखो और गूगल सर्च करो। गूगल सर्च कर लोगे? बताओ ना, कह रहा गूगल पर पढ़ लीजिए आप, आपको नहीं पता गूगल। चोरों की तुलना जवाब भगत सिंह से, आगरा जिला भटेसर तहसील पढ़ के आए हो, आप सरकार के प्रवक्ता हो, आप आगरा के डीएम को फोन करो और बोलो भटेसर तहसील का रजिस्ट्रार निकलो और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अंग्रेजों की तुलना क्रांतिकारी करने में नाम दर्ज है कि नहीं दर्ज है? कल भाई इसलिए कह रहे हैं आप पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई है, आप लोग सही रहे आदमी की तुलना। अरे ये समाजवादी लोग हैं जी, ये सब ये पाखंडी लोग हैं। अच्छा, ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये सच्चाई नहीं बर्दाश्त कर सकते, पाखंडी लोग हैं। ठीक है ठीक है, इमरान लतीफ कुछ बोल रहे थे आप, उकसा के पूछोगे मैं बताऊंगा। हालांकि जो लोग दुनिया से चले गए उनके बारे में मैं, मुझे बोलने का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन बार बार बड़े ईमानदार बन करके अंग्रेजों के मुखबिरों के माफी भी लोगों के बार बार उकसाते हैं लोगों को। ठीक है इमरान लतीफ, विपक्ष विपक्ष है। ठीक है भाई इमरान लतीफ बोलिए, हम असहमत हूँ। ठीक है बोलिए, बोले इमरान भाई। गौरव भाई, आम आदमी पार्टी जो सच लेकर आती है, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्वजों का जो अतीत सामने लेकर आती है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैंने क्यों कहा मनीष सिसोदिया, जब उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, जब मैंने कहा सरदार भगत सिंह जेल के अंदर, भगत सिंह की तुलना में क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। बोलिए वो लोग अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे। अच्छा, और आजादी के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी देश बनाने की लड़ाई लड़ रही थी, देश को तरक्की करने की लड़ाई लड़ रही थी। अच्छा। और इनको दिक्कत है, स्कूल बनाने से इनको दिक्कत है, बताइए। अच्छा, अस्पताल बनाने से इनको दिक्कत है भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक बनाने से इनको दिक्कत है। अरे तुम्हारे बिजली देने से इनको, घोटाला करने से दिक्कत, किसानों को मुआवजा देने से इनको, खाली करने से इनको काम दे नहीं पा रहे, अपने लोगों को दारू बिकवा के लाल शराब घोटाला इन्होंने सिद्ध कर लिया। ऐसे तो घोटाले खेल रहा है, तो शिक्षा नाम लेके बदनाम कर दिया बच्चा को, चढ़ा दीजिए देश के लिए, हफ्ते हफ्ते चढ़ के चले जाएंगे, लेकिन स्कूल बनाएंगे, शराब घोटाले खेल रहा है, बताओ क्लिनिक बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, नाम शिक्षा का लेते हो, ठीक है आखिरी कमेंट ले रहा हूं, ठीक है हो गया समय हो गया, देश का जो सब नहीं, गौरव भाई बात पूरी होने दीजिए, गौरव भाई बात पूरी होने दीजिए,
ये आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को सारे कार्यकर्ताओं को जेल में ना डालें, फांसी पे चढ़ा दें, तब भी हम कहेंगे कि मोदी अडानी का जो महाघोटाला है वो देश नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। एक एक बच्चे को फांसी पे चढ़ाने इमरान भाई पोस्टर आप स्वीकार लीजिए, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर। इमरान भाई खुलासे के बाद स्वीकारेंगे, जब छानबीन हो जाएगी तब स्वीकारेंगे क्या? स्वीकार लीजिए लगाए। अरे आम आदमी पार्टी जो करती है सीना ठोक के करती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी, बता रहा हूँ, सीना ठोक के, चाहे जितना बेचैन हो ले। अच्छा ठीक है, सबको जेल में डाल दें, डालें जेल के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है नितिन भाई, और मैं फिर कह रहा हूँ ये पोस्टर जनता ने लगाया है, ये जनता लगाया है, ठीक है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ठीक है ठीक है नितिन भाई, आखिरी कमेंट भाई, नितिन भाई क्या कहेंगे? गौरव जी आपने तो नारे लगा दिए, देख रहा हूँ, पोस्टर लगाइएगा नितिन भाई यार। नारे नहीं लगाऊंगा बिल्कुल, आपके चैनल का भैया लगाएंगे, प्रचार का माध्यम नहीं बनाऊंगा जी, पर नहीं पोस्टर लगाएंगे भैया, हो गया गौरव जी मुझे बोलिए। अरे गौरव जी मुझे बात कर लेने दीजिए, मैं आपको चैनल को अपनी पार्टी के प्रचार का माध्यम नहीं बनाऊंगा, मैं एज ए प्रवक्ता ही अपनी बात कहूंगा। पूरी दिल्ली मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन में कि पूरी दिल्ली मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टरों से पटी हुई है। दिल्ली में जो पुलिस है वो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है, क्या यह सरकार का फैलो नहीं कि पूरी दिल्ली पोस्टरों से रंग गई और सरकार की इंटेलिजेंस एलआईयू को पता ही नहीं चला ये किसका फैलो रहा है? इससे ज्यादा कमजोर और इससे ज्यादा लापरवाह सरकार नहीं हो सकती, क्योंकि एक किरण पटेल जाकर के कश्मीर में घूम रहा है जेट का सुरक्षा लेकर के, और दूसरा लड़के इस तरीके के पोस्टर दिल्ली में लगा रहे हैं और सरकार सो रही है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ठीक है ठीक है, फिर आप पोस्टर पर लगाएंगे एफ आई आर हो सकती है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, आखिरी कमेंट। देखिए गौरव जी जी, जिसे भी पोस्टर लगाना अपनी जिम्मेदारी के साथ लगाए और खुल करके मैदान में जनता भी उनका मूल्यांकन कर सके जी, ये जनता की आड़ में छिपना लोग बंद कर दे, एक बात। दूसरा बात, देश के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीद आजम भगत सिंह जी की तुलना कोई भी आधुनिक समय का राजनेता नहीं कर सकता, और ये पाप ना कोई करे और ना इस पाप को होते कोई देखे, ये पाप है जी। जिन लोगों ने अपने देश के लिए पूरी जवानी कुर्बान कर दी जी, उनकी तुलना आप अगर आज के घोटाले बाज लोगों से करें या अच्छा, आज किसी भी राजनेता से करें, मैं कहता हूं किसी भी राजनेता ने वो काम किया वो उनको चीजें नहीं शोभा नहीं देती। विवेक श्रीवास्तव पर इमरान लतीफ का ये कहना था कि जनता ने लगाए, इस पर क्या बोले आखिरी कमेंट जल्दी दीजिए। देखिए ये तो जनता की आड़ में लेके छिपने वाले लोग हैं, अच्छा ये इसी तरह की हरकतें करते हैं, आरोप लगाएंगे। अभी इन्होंने अडानी के ऊपर आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी दफ्तर खोल के बैठी है, जितने दस्तावेज ले जाओ दे दो जांच में, वो भी शामिल हो जाएंगे। यहाँ गाल बजा रहे हैं अच्छा, जिनका जिन जिन बातों का कोई मतलब नहीं है अच्छा, तो ये केवल एक आरोप लगाने वाले लोग हैं, आरोप के ऊपर टिकने वाले लोग नहीं है ये। ठीक है ठीक है, ये कट्टर भ्रष्ट, कट्टर बेईमान, कट्टर चोर, कट्टर घोटाले बाज लोग हैं। चलो ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी मोदी हटाओ देश बचाओ के, जिस पोस्टर देश की राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेश दूसरे हैं, संदेश यहाँ राजनीति के भी है, संदेश यहाँ पर पोस्टरबाजी के भी है, और संदेश यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि पोस्टरबाजी भी आज के समय में अहम माध्यम बन चुका है हमारे देश की राजनीति का। अब पोस्टर जनता ने लगाए हैं या किसी पार्टी ने लगाए हैं या व्यक्ति विशेष ने लगाए हैं, आने वाले समय में छानबीन के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता के मुद्दों से अलग जो देश में पोस्टरबाजी की और बयानबाजी की राजनीति कर रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर जनता के मुद्दों पर जनाधार पाने के लिए संघर्ष होता है धरातल पर और पूरी तरह से मजबूती के साथ। पर यहाँ पर फिलहाल जो संघर्ष है वो पोस्टर से और बयान से नजर आ रहा है। सोशल मीडिया माध्यम है अपनी बात कहने का, पर वास्तव में अगर किसी सरकार को गिराना है या किसी सरकार को बनाना है उसके संघर्ष करिए धरातल पर, पोस्टरबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, कि पोस्टरबाजी का इतिहास हमारे देश में पुराना नहीं है। पोस्टरबाजी आज के समय की राजनीति का केंद्र बना है, पुराने इतिहास केवल भारतीय राजनीति में लाठी का, जेल का और संघर्ष करा है, उसी इतिहास पर चलते रहिए, तभी विश्व का लोकतंत्र यानी हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ पर चलता रहेगा और शीर्ष पे हमेशा विराजमान रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।